ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दाल गोश्त तैयार है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त, मटन का दाल गोश्त। इसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त को गला ली हूँ। उसके बाद अब मैं जो तरीका बताऊँगी आपको वो बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले मैंने गोश्त गला ली हूँ। उसके बाद मैंने दो दाल थी मेरे पास अवेलेबल, एक मूंग की दाल और एक मसूर की दाल। तो मैंने सोची चलो ये दो दाल से ही दाल गोश्त बना के देखते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो के रख ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त में दाल को ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें दाल ऐड कर दी हूँ। अब हम इसमें प्याज, टमाटर, हमारे सारे जो गरम मसाला है हमारा, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें इसका कुकर के लिड लगा कर इसे पकने रखेंगे, दाल को गलने लगा देंगे। गोश्त हमने थोड़ा पका चुके हैं, 50-80% हमारा गोश्त पक चुका है। अब हम इसमें दाल के साथ में इसको गलाएंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हूँ, टमाटो, प्याज, सब हमारे सारे मसाले हमने डाल चुके हैं इसमें। अब हम इसे कुकर की लिड लगा के इसे पकने रख देंगे, गला लेंगे अच्छे से दाल को। हमारा गोश्त 80% पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, गोश्त भी अच्छे से गल गया है। देखिए आप इधर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है गोश्त, ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है। अब हम इसमें सिर्फ इसको बघार देंगे और हमारा दाल गोश्त रेडी। इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, और हमारा ये जो हमने गोश्त गला के रखे हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल गोश्त मेरा तैयार हो चुका है। इसमें हम कोतमीर और पुदीना डाल देंगे और गरमा गरम इसे आप सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही यम्मी बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दाल गोश्त तैयार है।